आज हम बनाएंगे साबूदाना के बड़े। हमने साबूदाना को 1 से 1.5 घंटे तक भिंगा लिया है। उसके लिए हम उबले हुए आलू, हरी मिर्ची और सेंधा नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे। हमने पहले से ही साबूदाना को भिंगा लिया है और आलू भी छील के रेडी रखा है। साबूदाना में हम आलू को मिक्स करेंगे। देखिए हमने इसमें आलू मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्ची डालेंगे। और स्वाद अनुसार सेंधा नमक, इसे आप उपास में भी खा सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें तेल, कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे और गरम करेंगे। हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा जीरा भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इस तरह से पानी का हाथ लेके बड़े बनाएंगे। इसे इस तरह से करके तेल में डालेंगे। इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन होते तक भूनना है, हमें तलना है। देखिए तल आ गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से अभी हम और बड़े बनाएंगे। हमारे साबूदाने के बड़े तैयार हो गए हैं और हम इसे टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।